देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम ने जारी कर दिया। इस बॉन्ड के जरिए गाजियाबाद नगर निगम ने 150 करोड़ रुपए का फंड जुटाया है, जिसमें 100 करोड़ रुपए बेस इशू और 50 करोड़ रुपए ग्रीन इशू से जुट गए हैं। वहीं 150 करोड़ के म्यूनिसिपल बॉन्ड के अलावा 401 करोड़ रुपए की 40 ऑनलाइन बिड्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑनलाइन बिडिंग प्लेटफॉर्म पर मिली हैं। इस प्रकार गाजियाबाद म्यूनिसिपल बॉन्ड 4 गुना सब्सक्राइब हुआ। बॉन्ड का सब्सक्रिप्शन 8.10 के कूपन रेट पर हुआ, जो म्यूनिसिपल बॉन्ड के इतिहास में सबसे कम दरों में से एक है। आपको बता दें कि इस बॉन्ड से टर्शियरी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इस प्लांट से गंदे पानी को साफ करके उसे इंडस्ट्रियल वाटर के लायक बनाकर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। गाजियाबाद में साहेबाद इंडस्ट्रियल एरिया के लिए इस परियोजना को तैयार किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 240 करोड़ रुपए है, जिसकी पार्ट फंडिंग गाजियाबाद नगर निगम के ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड से की जाएगी। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा आज BSE के ABP पोर्टल पर देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया, जिसमें 40 इन्वेस्टर्स ने प्रतिभाग किया और उनमें से 7 इन्वेस्टर्स को 8.10 के कूपन रेट पे ये जो बिड है वो 150 करोड़ की कंप्लीट हुई। हम लोगों ने 150 करोड़ का जो बॉन्ड इशू किया था उसके सापेक्ष 401 करोड़ का सब्सक्रिप्शन आया था, जो कि अपने आप में 4 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त होना गाजियाबाद में एक बड़ी बात को दर्शाता है। जो ये पैसा हम लोग रेज कर रहे हैं, इसको हम लोग STP जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उससे पाइप नेटवर्क से मीटरिंग करके यूजर चार्ज बेसिस पे हम अपनी इंडस्ट्रियल एरियाज़ को इस पानी को हम उपलब्ध कराएंगे। और आज ऐतिहासिक दिन है गाजियाबाद नगर निगम के लिए, क्योंकि 8.1% का ओपन रेट म्यूनिसिपल बॉन्ड में मिलना अपने आप में बड़ी बात है। और इन्वेस्टर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने गाजियाबाद नगर निगम में खासकर जो इन्वेस्ट किया है, ये दिखाता है कि म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के सेगमेंट में मार्केट का जो रिस्पॉन्स है वो आज की तारीख में अच्छा है। और साथ साथ में ये भी दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस में दिखाई जा रही है, गुड गवर्नेंस को हम लोग एग्जांपल के रूप में लेकर चल रहे हैं। ये मार्केट का ट्रस्ट गुड गवर्नेंस के लिए है, इसके लिए सभी इन्वेस्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। गौरतलब है कि प्रदेश की योगी सरकार ने 2 साल पहले 2019 में लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगम को बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद SEBI से अधिकृत एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग कराई गई। पंजाब केसरी TV के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट।